सुल्तानपुर में 188 विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी इंद्रहास पाठक का नामांकन पत्र वापस होने पर उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर हंगामा काटा। पुलिस प्रशासन ने बवाल होने से पहले संभाला मोर्चा। प्रत्याशी ने जिला प्रशासन पर लगाया आरोप, मेरे पर्चे पर एक अक्षर गलत होने पर मेरा पर्चा किया गया है वापस। सुल्तानपुर में लम्भुआ के कांग्रेस प्रत्याशी विनय विक्रम सिंह के भाई अजय विक्रम सिंह को मध्य प्रदेश के रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रीवा ले गई। मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के रीवा में उनके खिलाफ एक 420 धारा में मुकदमा दर्ज है। कोतवाली में कांग्रेसियों का जमावड़ा लग गया था। सुल्तानपुर में लम्भुआ सफाईकर्मी की आकस्मिक मौत से सभी स्तब्ध रह गए हैं। लम्भुआ विकासखंड क्षेत्र के वेदुपारा निवासी सफाईकर्मी रमाशंकर की आकस्मिक मौत हो गई है। कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। लम्भुआ विकासखंड क्षेत्र के बरहता गांव में थी तैनाती। उनके निवास पर सफाई कर्मचारियों का और ग्रामीणों का तांता लग गया। सुल्तानपुर में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने जिलाध्यक्ष मानस तिवारी के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के एक्सीडेंट मामले को लेकर जांच व सुरक्षा की मांग की है। मामले की गंभीरता से न लेने पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर दर्जनों छात्र नेता मौजूद रहे। अयोध्या में कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह ने पूरा बाजार के सनेथु ग्राम सभा में चिंतन सभा का आयोजन किया। वैसिंह ग्राम सभा में बने स्टेडियम पर हेलीकॉप्टर से लैंड कर सभा को संबोधित किया। दूसरी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के कामों को गिनाया। अपने निजी खर्चे से 50 विधानसभा में दौरा कर चिंतन सभा को संबोधित करेंगे। हिंदुत्व एक विकल्प है, यही संकल्प है। अपने गीत के माध्यम से युवाओं में उन्होंने जोश जगाया। अयोध्या में लता जी की श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन प्रेस क्लब अयोध्या में आयोजित हुआ। यश म्यूजिकल ट्रस्ट द्वारा ये आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर लता जी को पुष्पांजलि अर्पित की। अयोध्या में नाराज व्यापारियों को मनाने में जुटे भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता। व्यापारी सभा ने वेद प्रकाश गुप्ता को समर्थन दिया है। व्यापारी सभा के प्रमुख सुशील जायसवाल के आवास पर व्यापारियों की बैठक हुई। वेद प्रकाश गुप्ता को जिताने के लिए व्यापारियों ने भरी हुंकार। अयोध्या विधानसभा से है भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता। अमेठी के जगदीशपुर में आवासीय कॉलोनियों में खराब हुई सड़कों को लेकर लोगों में आक्रोश है। गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए चल रही खुदाई से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। लोगों को कहना है कि पाइप डालने के लिए गड्ढा तो खोदा जाता है, लेकिन उसके बाद उसे बंद नहीं किया जाता, जिससे राहगीरों को आने जाने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। अमेठी में तिलोई विधानसभा के सपा युवा नेता ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया है। मांगा आप पार्टी के लिए वोट। समाजवादी पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशियों को लेकर नाराज सपा कार्यकर्ता युवा नेता मुकुल मिश्रा ने अपने दर्जनों साथियों के साथ 178 तिलोई विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ पांडे का समर्थन कर क्षेत्र की जनता को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। अमेठी में अनियंत्रित बोलेरो पिकअप पेड़ से टकराई। पिकअप में बैठी युवती हुई गंभीर रूप से घायल। युवती ने पिकअप चालक पर लगाया गाली देने का और गाड़ी लड़ाने का आरोप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिकअप को कब्जे में लेकर युवती को अस्पताल पहुंचाया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के जरोटा गांव के पास की ये घटना है। अमेठी के तिलोई विधानसभा में समाजवादी पार्टी को लगा जोर का झटका। धीरे से गुजर जात में भाजपा ने लगाई बड़ी सेंस। समाज सेवी राजा गुजर को दिलाई भाजपा की सदस्यता। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले राजा गुजर को ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृष्ण कुमार सिंह मुन्ना ने सदस्यता दिलाई। राजा गुजर के भाजपा में आने के बाद तिलोई की राजनीति में विपक्ष को जोर का झटका लगा है। अमेठी के जायस में तहसील तिलोई नायब तहसीलदार व लेखपाल के द्वारा किया गया बूथों का निरीक्षण। 2022 चुनाव को लेकर नायब तहसीलदार के द्वारा बनाए गए बूथ का किया गया निरीक्षण। नायब तहसीलदार एके कुशवाहा ने मलिक मोहम्मद इंटर कॉलेज में बूथ का निरीक्षण किया है। मलिक मोहम्मद भारती इंटर कॉलेज में कुल 6 बूथ हैं। अमेठी विधानसभा क्षेत्र में जनसत्ता दल जनसंपर्क के दौरान रास्ते में रुक कर रानी ने लिया जनता का हाल। पूरा बेसारा में नवाब अली को देखकर रानी मधुरमा सिंह ने हालचाल पूछा। वहीं मौजूद शौकत अली ने कहा कि आप हमारे घर चले तो रानी मधुरमा सिंह ने उनकी इच्छा पूरी की और शौकत अली की आवाज पहुंची और हालचाल लिया। अमेठी के भादर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा ढेमा में ग्राहकों व ग्रामीणों ने कोटेदार गौतम कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। 5 से 6 किलो राशन कम देने का आरोप है। काफी लोगों का अंगूठा लगवाकर राशन नहीं दिया जाता है। कोटेदार गौतम कुमार द्वारा कहा जाता है कि जिससे शिकायत करनी है कर लो, बहुत लोग शिकायत किए लेकिन कुछ नहीं हो पाया, मैं सबको पैसा दे सकता हूं। किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपते हुए ये कार्यवाही की मांग की है। अमेठी के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग को शिकायती पत्र देकर बताया कि गांव के दबंग सुरभान व विकास ने घर में घुसकर पीड़िता की बहू के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने का प्रयास किया और जाति सूचक गाली दे रहे हैं। थानाध्यक्ष ने पीड़िता का मुकदमा दर्ज नहीं किया और थाने से भगा दिया। विपक्षी पीड़िता को शिकायत करने के बाद
देख लेने व जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने थकार कर मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, महिला आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई कर जानमाल की सुरक्षा की मांग की है। अमेठी में मतदान का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों को मनाने तहसील प्रशासन का अमला पहुंचा। उनके आश्वासन के बाद गांववासी धरना समाप्त कर मतदान देने को राजी हो गए। विकासखंड जामों के जनापुर में तीन पुरों में आने जाने की ठीक सड़क मार्ग न होने से गांववासियों को बड़ी परेशानी और दिक्कतें होती हैं। गांववासियों ने सामूहिक रूप से मतदान न करने का बैनर लगाया था और धरना देकर विरोध जारी रखा था। अमेठी में अज्ञात वाहन ने महिला को टक्कर मारी है, जिला अस्पताल रेफर किया। थाना संग्रामपुर क्षेत्र का मामला है। डॉक्टर ने दाहिना हाथ फ्रैक्चर होने की आशंका बताई और उनके सर में थोड़ी बहुत चोट लगी है। अमेठी में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए समस्त प्रेक्षकों ने प्रभारी अधिकारियों के साथ बैठक की है। डीएम और एसपी ने आज स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल व पोलिंग पार्टी रवाना स्थल का निरीक्षण किया। समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज